अस्सलाम वालेकुम, टेकएक्स पाकिस्तान से मैं हूं वकास बिन दुबैर और आज है हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं दोनों के इलेक्ट्रिक से हैं, पीएमओ डिपार्टमेंट से, आईटी से, और सलमान राणा हमारे साथ मौजूद हैं, हेड करते हैं, और उन्हीं के साथ उनके कोलीग हैं मोहम्मद फैसल का। आज जो हमारा टॉपिक है जिस चीज़ को हमने क्विकली आज डिस्कस करना है, अपने जो भी हमारे साथ देखने वाले हैं जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं जो आईटी से रिलेटेड है हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है। सो टुडेज आवर टॉपिक इज द आईटी स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि सलमान राणा अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैंने SMEs में भी किया है, कॉर्पोरेट के अंदर सेक्टर में भी किया है, तो एक जो डिफरेंस देखता हूँ कि हमारी आईटी स्ट्रेटेजी बनती तो है लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो उसमें काफ़ी ह्यूज गैप होता है। तो इसके ऊपर हम बेसिकली आज अपने एक डिस्कस करना, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि हम बेसिकली जो इन गैप्स हैं इनको आइडेंटिफाई भी करें और इनके जो इनको रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है कि हम किस तरह से इस गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करें। तो बेसिकली आप बताएं कि आपके अपने स्कूल एक्सपीरियंस में माशाल्लाह का एक काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है जिसमें आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी किया, काफ़ी मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन भी रहे, क्योंकि जब हम दोनों साथ थे तो भी मुझे पता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की हैं। तो आप इसके ऊपर मुझे बताएं कि बेसिकली आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रेटजी होती है, जो मैं सब पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ स्ट्रेटजी की, आईटी स्ट्रेटजी, उसमें और हमारी एग्जीक्यूशन में गैप क्यों होता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरे ख्याल आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, आईटी स्ट्रेटजी और उसकी एग्जीक्यूशन के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो आईटी स्ट्रेटजी का, क्योंकि आईटी स्ट्रेटजी ड्राइव होती है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से, और यूजली कंपनीज में प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी ही क्लियर नहीं होती, वो ही डिफाइन नहीं हो पाती, और अगर स्ट्रेटजीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बन रही होती हैं जिसमें भी हमारा फोकस तो आईटी स्ट्रेटजी का है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि आईटी स्ट्रेटजी अगर हम बनाते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं लिंक नहीं हो रही होती बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी से बिजनेस गोल से अलाइन नहीं हो रही होती, बिजनेस गोल से अलाइन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती और उसकी वो वैल्यू जो आईटी लीडरशिप के लिए उसकी शायद वो एक वैल्यू हो सकती है लेकिन बिजनेस उसको उस तरह से फोर्स ही नहीं कर रहा होता या उस तरह से उनकी वो विजिबिलिटी नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से या बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन हो आईटी की स्ट्रेटजी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अब डिफरेंट बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बुलाया जाता है, उसमें आपके जो CIO है उनको भी किया जाता है, जो आपके बिजनेस डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको भी इंगेज किया जाता है, और CEO उस बोर्ड के थ्रू एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो तो उसका पार्ट होते हैं, लेकिन क्या उस पार्ट के अंदर आपको लगता है कि आईटी स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि गैप मतलब ये मेरे मैंने समझ लिया कि अलाइन नहीं है, लेकिन उस ना अलाइन होने की रीज़न क्या होती है जबकि उस बोर्ड मीटिंग के अंदर तो सारे ऑन बोर्ड होते हैं। यूजली इस तरह से होता है कि जो मेरी ओपिनियन है या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यूजली ये होता है कि हमारे पास जो बोर्ड लेवल पे होते हैं वहाँ पे आईटी की इतनी ज़्यादा जो लोग होते हैं उसके अंदर उनके पास कोई इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती या इतना अवेयर नहीं होते आईटी के बारे में, आईटी की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, और प्रॉब्लम वहीं से बनता है कि आईटी की इम्पोर्टेंस उनके लिए कम होती है और वो सिर्फ उस एरिया पे फोकस कर रहे होते हैं जहाँ से उनका बिजनेस रेवेन्यू या कंपनी की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके। तो आईटी का एक रोल यहाँ पे आईटी भी आता है कि वो अपनी लीडरशिप को उस हवाले से अवेयर कर सकें कि कंपनी की स्ट्रेटजी में आईटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा, जो कि आईटी उनको हेल्प कर सकता है उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो एक चैलेंज मुझे लगता है यहाँ पर भी आता है, इसी की वजह से शायद हम लिंक नहीं कर पाते दोनों स्ट्रेटजीज को, और जाहिर है फिर वही गैप फिर आपके एग्जीक्यूशन में बनते हैं कि आईटी के लिए तो उसकी इम्पोर्टेंस होती है लेकिन बिजनेस फिर उस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं रहा होता उस तरह से। अच्छा, और ये गैप फिर बढ़ता ही चला जाता है। अच्छा, इसके अंदर हम एक और देखते हैं और वो काफ़ी मैंने देखा है इंटरप्राइज में, तो इतना नहीं होता लेकिन वहाँ भी फील होता है कि कुछ बजट के भी कॉन्स्टेंट होते हैं स्ट्रेटजी के वक्त, तो हम सब चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन जब हम बजट आता है तो वो आपका बजट जब आपका फैसले स्टार्ट होता है जब बजट मिलता है तो वो बजट उतना नहीं मिलता जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली उसके एग्जीक्यूशन के मुताबिक, क्या आपको कहीं ये भी गैप नज़र आता है? बिल्कुल वकास, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, ये एक बहुत बड़ा गैप है बजट का, और इस टफ इकोनॉमिक जो चैलेंज अभी हमारे साथ फेस कर रहे हैं इसमें ये मसले और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
और जब आपको देखें ये कंस्ट्रेंट्स है, वही आपके बजटरी कंस्ट्रेंट हो गए, आपके आपको वो रिसोर्सेज मिलना, क्योंकि आपने एक आइडिएशन तो कर लिया, आपने सोच लिया कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो नंबर वन उसमें बजट आता है, फिर उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज आती हैं, चाहे वो आपकी अपनी रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपको वेंडर से वो सपोर्ट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे आपको वेंडर के पास भी या मार्केट से भी आपको वो रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज नहीं मिल पाती जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये एक चैलेंज बन जाता है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी जो है वो पेपर्स में रह जाती है और एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। अच्छा, अब मैं फैसल की तरफ चलते हैं। फैसल, आपसे ये क्वेश्चन है, बेसिकली हमने अभी जो बात की है ये एक हाई लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस्ड है, अब आपसे क्योंकि जो आपका डोमेन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब हम देखते हैं कि एक स्ट्रेटजी भी बन गई, और जाहिर सी बात है 100% तो गैप नहीं होता, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्ट्रेटजी का पार्ट भी थे और उनका बजट भी एलोकेट हो गया, और अब उन बजट के बाद वो एग्जीक्यूशन में, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन में जो हम उनसे गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव नहीं होते, उसकी क्या रीज़न लगती है आपको? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है, हमारा जो मुल्क का जिस तरह हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे जो सबसे पहले हमें चैलेंजेस आते हैं रिसोर्सेज के आते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम 6 मंथ्स का प्लान बनाते हैं कि हम ये एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट कर लेंगे अगले 6 महीनों के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारा प्लान उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए छोड़ के चले जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं प्लान के मुताबिक नहीं चल पाते, नंबर वन। इस वजह से जो है हमारे पास वो गैप आ जाता है, एक और वो मेजर रीज़न एक ये है, मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास इस वजह से गैप आया है। तो यानी अगर आप इसको मैं कंक्लूड करूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्किल सेट है उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो प्रॉपरली नहीं होता। एक स्किल सेट का भी इशू है, अगर हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में बात करें कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट स्किल सेट मौजूद है, लेकिन उनकी जो डिमांड्स हैं मार्केट में जो इस वक्त पे स्केल चल रहा है उसको बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वही बात आ जाती है कंपनी की, कि कंपनी की बजट पॉलिसी, कंपनी के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कि कंपनी अब एक लिमिट तक पे कर सकती है ना, अगर हर बंदा चाहे कि यार मैं मेरा कहीं ना कहीं कैप है, कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, लिमिटेशन आ जाती है, रिस्क आ जाते हैं, बिजनेस रिस्क। अच्छा सवाल साहब, अब बड़ा ये जो टॉपिक चले गया है, इसमें जबरदस्त क्वेश्चन आया और रियलिस्टिक है। हम एक चीज़ देखते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, डेफिनेटली यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इवन अगर मैं आईटी मैनेजमेंट की बात करूँ वो भी हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक मैं इसको अभी आपसे नहीं पूछूंगा, ये अप टू यू कि आप इसको एक्सप्लेन करें, क्या ये राइट डिसीजन है कि हमारी आईटी की स्ट्रेटजी किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की आईटी की स्ट्रेटजी वी अज्यूम कि वो वेंडर एग्जीक्यूट करें और वो हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बेस्ट उसका एग्जीक्यूशन करें? ये आपने एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा जो है इसके अंदर देखिए, जब आपकी आईटी स्ट्रेटजी बनती है ना, उस स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन के लिए आपने उसी टाइम पे ये डिसाइड करना होता है कि उस स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन करेगा कौन, क्या आपके पास वो इन हाउस कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं या आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर आप सिर्फ वेंडर बेस जा रहे होते हैं तो जाहिर है वेंडर के अंदर वो एक शायद उस तरह से फील नहीं करता जिस तरह से कंपनी का एक एम्प्लॉय की एसोसिएशन होती है उस कंपनी के साथ, वो जो है वो उतना नहीं समझ सकता। जो इन हाउस जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के पेन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, अपने बिजनेस कंस्ट्रेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करें। वेंडर्स तो आपके पास आए हैं, वो आपका एक बिजनेस चैलेंज लेके आए हैं, उन्होंने उसको फुलफिल करना है, उन्होंने अपना जो भी आपके पेमेंट माइलस्टोन एग्री हुए हैं वो साइन ऑफ करानी है और उन्होंने चले जाना है। वो लॉन्ग आपका जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, आपको अगर कहीं गैप भी नज़र आता है तो आप उसके ऊपर भी उसे लिस्ट डाउन करते हैं या जो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं उस पर काम कर रहे होते हैं। जबकि वेंडर के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ रेज की तो जो आपने पहले नहीं सोची थी या वेल थॉट ऑफ नहीं थी, तो वो वेंडर आपको कहता है कि जी इसके लिए तो आपको मेरे साथ चेंज रिक्वेस्ट करें। तो मुझे डिज़ाइन थिंकिंग की बात याद आ गई, और एक वो बताया था उन्होंने कि हमें कि एक होता है आउटपुट और एक होता है आउटकम, तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो हमारे आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं रेदर देन आउटकम, और जो बिजनेस अलाइन होता है वो आउटकम से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आउटकम को अलाइन कराना ही बीइंग पार्ट ऑफ आईटी, अगर हम आईटी टीम का पार्ट हैं तो हमारा फोकस आउटकम के ऊपर होता है।
तो ये वेंडर के साथ भी मूविंग फॉरवर्ड जब आप एग्जीक्यूशन में जा रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को लेके, वहाँ पे ये भी एक गैप आ जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हैं, मल्टीपल रिस्क हैं, लेकिन अगर आप इसको वेल थॉट आउट शुरू से करें, रिस्क आइडेंटिफाई करें, अलाइनमेंट बेहतर करें, अपनी जो लीडरशिप के अंडर में जो टीम है उसे भी वो विजिबिलिटी दें और पर्पस दें। तो अगर अब हम देखते हैं तो वहाँ पर कितने डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं, जहाँ से क्योंकि जो मैनेजमेंट है जैसे अभी दे वांट टू लुक ऑन द डैशबोर्ड, कि उन्हें डैशबोर्ड से सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं क्योंकि हम रियलिस्टिक बात करूँगा मैं, तो रियलिस्टिक ये है कि डैशबोर्ड में और एक्चुअल में गैप होता है, बेशक ऐसा ही है। अब उस गैप को किस तरह से कवर करेंगे? अच्छा देखिए डैशबोर्ड, क्योंकि आप जिसकी बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं दैट इज़ नॉट द रियल डाटा, मतलब है लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत हुई चुकी है, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। देखिए ये गैप्स जो है ना वो डेटा के साथ रहते हैं, क्योंकि रियल टाइम की आपको ये बहुत हमेशा से देखना पड़ता है कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको कैप्चर करने पड़ेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंपनी की पल्स दे रहे हो या आपकी स्ट्रेटेजी की पल्स दे रहे हो। अब वो ज़रूरी है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो गुजरते हुए वक्त के साथ उस डेटा को रिफाइन करें और आपके जितने भी डिसीजन हो वो डेटा ड्रिवन हो, ताकि उसमें आपके पास गलती के चांसेस कम से कम है और वो जो आप एक आखिर में गैप आता है जिसकी हमने बात की थी कि एग्जीक्यूशन में, उसे हम कम से कम कर सकते हैं। तो ये चंद एक और भी इसमें हो सकती हैं स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू हम उनको जो मिनिमाइज कर सकते हैं उस गैप को, बट आई थिंक गैप तो स्टिल रहेगा, वी कैन ओनली मिनिमाइज इट, हम एलिमिनेट नहीं कर सकते बट हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और कंपनीज वही फायदे में हैं इस टाइम पे जो कि इस गैप्स को समझें, इन गैप्स को एक्सेप्ट करें और इस पे काम करते हुए इस पे कम से कम इस गैप को करते हैं। आई थिंक आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो एक्सेप्ट है, आई थिंक मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी के अंदर मैं अगर लीडरशिप की देखता हूँ उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती। समटाइम्स मैंने खुद देखा है कि कुछ मैनेजमेंट ऐसी हैं, डिफरेंट मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, मैनेजमेंट क्या करती हैं कि वो डिसीजन ले लेती हैं और आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि ये डिसीजन या ये स्ट्रेटजी गलत है, बट स्टिल वो उसको ओन करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर भी वकास, ये भी आपने अगेन एक अच्छा पॉइंट रेज किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने भाई, कि जब भी अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं ना, तो स्ट्रेटजी अगर आप उसके ऊपर श्योर नहीं है तो वो ज़रूरत है कि आप उस पर कुछ पायलट्स करके जल्दी फैसला कर लें। फेल फास्ट का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये स्टार्टअप के अंदर भी हम बहुत यूज़ करते हैं। बेशक तो बेहतर है जल्दी फेल हो जाना रादर देन कि आपने पूरा साल गुजारा उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने पे और आपको इन द एंड पता चला कि आपकी इतनी एक्स नंबर आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए और आपको वो डिजायर्ड आउटकम उसका नहीं मिला। बिल्कुल जबरदस्त। तो आई थिंक तुमने बड़ा अच्छा इसको हमने कंक्लूड किया, हमने डिस्कस किया, हमें पता चला बेसिकली हमारे क्या गैप हैं जो मार्केट के हैं, और द रीज़न इसके आप लोगों को बुलाने का और डिस्कस करने का ये ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक्चुअल इंडस्ट्री के, क्योंकि मैं भी खुद भी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, भी कर तो एक्चुअल चीज़ें हम वो डिस्कस करें जो रेलिवेंट हैं, जो लोग उसको समझ सकें, उन गैप को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो थैंक यू सो मच सरवान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक पे आपने बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।